नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। बीजेपी ने चुनाव से पहले बीजेपी ने एक बार फिर से नागरिकता संशोधन कानून सीए का जिक्र कर दिया है। और इसका जिक्र क्यों किया है आप सब जानते हैं। किस तरह से सीए के नाम पर जो है वो एक माहौल तैयार किया गया। सीए के नाम पर कहा गया कि हम हिंदुओं को जो है वो नागरिकता देंगे। इसके तौर पर जो है सीधे सीधे जो है ये कहा गया कि मुसलमान धर्म को जो है वो उसमें इंक्लूड नहीं किया गया। ये सारी बातें हुई, यानी सीधे सीधे बीजेपी जो है वो चुनाव से पहले ये दिखा रही है कि वो हिंदू हितैषी है और हिंदुओं के लिए जो है उन्होंने सीए कानून को जो है बनाया है और अब सीए कानून लागू करने जा रही है। ये बात किसी और ने नहीं कही, ये बात कही है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। जेपी नड्डा ने कहा है कि कोरोना की वजह से जो है वो सीए को लागू करने में दिक्कत आ रही थी, अब कोरोना जैसे जैसे धीरे धीरे खत्म हो रहा है हम सीए को लागू करने जा रहे हैं उन्होंने ये कहा। लेकिन सवाल कुछ एक जरूर है, वो पूछे जाने चाहिए। चुनाव से एन पहले सीए का जिक्र बीजेपी को क्यों करना पड़ा, एक सवाल। दूसरा सवाल यह है कि सीए को सरकार कह रही थी कि इसका भारत के लोगों के साथ में कोई संबंध ही नहीं है, भारत के लोगों के साथ में सीए का किसी प्रकार से कोई संबंध नहीं है। तो जेपी नड्डा, उनकी बाइट में आपको सुनाऊंगा और ध्यान से आप सुनिए कि किस तरह से जेपी नड्डा कह रहे हैं कि सीए आपका लागू कर दिया जाएगा, आपको सीए मिल जाएगा, मतलब जनता को सीए मिल जाएगा, भारत के लोगों को सीए से क्या मतलब है, यही बात तो आप कह रहे थे। लेकिन आज आप अपनी ही बात से पलट रहे हैं। किस तरह से जो है चुनाव को सांप्रदायिक और ध्रुवीकरण करने की कोशिश हो रही है यह साफ तौर पर दिख रहा है। लेकिन कुछ एक आपको पहलू जो है वो भी आपको बताएंगे, किस तरह से जो है सीए जब लागू किया गया था उस वक्त में झारखंड में चुनाव हुए थे और झारखंड ने बता दिया था कि सीएनआरसी नहीं चलेगा। झारखंड में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया था। और अब जो है बिहार चुनाव से एन पहले जो है वो जेपी नड्डा ने एक बार फिर से सीए का नागरिकता कानून का जो है जिक्र किया है। आप ध्यान से पहले उनका ये बयान सुनिए किस तरह से वो कह रहे हैं, इस बात को ध्यान से सुनना, आपको सीए मिल जाएगा, आप पर सीए लागू हो जाएगा, इस बात को आप ध्यान से सुनना। भास्कर में जेपी नड्डा का ये बयान छपा है, दैनिक भास्कर ने लिखा है सीए पर भाजपा का बयान, जेपी नड्डा ने कहा कोरोना वायरस की वजह से नागरिकता कानून में हुई देरी, जल्द ही इसे लागू कर दिया जाएगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को कहा कि कोरोना महामारी की वजह से नागरिकता संशोधन कानून सीए में देरी हुई, उन्होंने कहा कि जल्द ही इसे लागू कर दिया जाएगा। नड्डा उत्तर बंगाल के एक सोशल ग्रुप पर बातचीत कर रहे थे, ये जेपी नड्डा साहब कह रहे हैं। आप बताइए कि सीए लागू करने में जो है वो कोरोना की वजह से देरी का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन कोरोना अभी भी खत्म नहीं हुआ, कोरोना अभी भी जारी है। और जो विशेषज्ञ हैं वो तो ये कह रहे हैं कि सर्दी में हो सकता है कि इसकी कोई दूसरी पीक आ जाए। लेकिन सवाल ये है कि चुनाव से एन पहले जो है सीए का जिक्र क्यों किया जा रहा है, नागरिकता संशोधन कानून के जिक्र करके जो है वो भाजपा किसको अपनी तरफ जो है वो आकर्षित करना चाह रही है, ये तो सवाल है। लेकिन कुछ एक बात है, आप ये देखिए 11 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून जो है वो पास किया गया था। नए नागरिकता कानून को संसद से 11 दिसंबर को पारित किया गया था सीए के तहत। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, बगैर मुसलमान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई समुदाय के लोगों को अवैध शरणार्थी के रूप में नहीं देखा जाएगा। इन तीन पड़ोसी इस्लामिक देशों से धर्म के आधार पर प्रताड़ित किए गए इन अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी, यह सरकार ने कहा 11 दिसंबर को जो है यह कानून पास किया। लेकिन आप सोचिए कि 24 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आते हैं झारखंड के और झारखंड सुपड़ा साफ कर देता है। झारखंड के ये आप स्क्रीनशॉट देख लीजिए, आज तक की खबर है। झारखंड चुनाव परिणाम 2019, झारखंड के नतीजे घोषित, हेमंत सोरेन को फिर से सत्ता और रघुवर दास का कटा पत्ता, बीजेपी का सुपड़ा साफ। झारखंड में जेजेएम, कांग्रेस और आरजेडी की गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। सीएम का ताज हेमंत सोरेन के सिर पर सदेगा। सोमवार को राज्य की 21 विधानसभा सीटों के नतीजे घोषित किए गए। इनमें जेजेएम ने 30, कांग्रेस ने 16 और आरजेडी ने 1 और बीजेपी ने 25 सीटों पर जो है महज 25 सीटों पर बीजेपी सिमट करके रह गई थी, 25 सीटों पर जो है वो अपना कब्जा जमाया। इस तरह से प्रचंड बहुमत के साथ महागठबंधन ने रघुवर दास की सरकार की छुट्टी कर दी। रघुवर दास अपनी जमशेदपुर की सीट नहीं बचा पाए थे, एक मुख्यमंत्री जो है वो अपनी सीट तक नहीं बचा पाया था, जिस गर्मा गर्मी में और जिस माहौल में नागरिकता संशोधन कानून को जो है वो लागू किया गया था, उस माहौल के अंदर जो है वो बीजेपी का मुख्यमंत्री अपनी सीट नहीं बचा पाता है। और अब बीजेपी ये सोच रही है कि नागरिकता संशोधन कानून का जिक्र करके लोगों को जो है वो कहा जाएगा कि हम हिंदू हितैषी हैं, हिंदुओं एक हो जाओ, हम हिंदुओं को नागरिकता दे रहे हैं।
आप बताइए कि उस दौरान जो है वो झारखंड ने बता दिया था, और वहां पर जो है महागठबंधन की सरकार बनी थी, जेजेएम कांग्रेस और आरजेडी के जो है वो प्रत्याशी जीत करके उन्होंने सरकार बनाई थी। और अब बिहार में, अब बिहार की बारी है, बिहार की जनता जो है वो किसकी तरफ देखती है, किसकी तरफ जाती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल ये है कि एक बार आप ये रैलियों की भीड़ भी देख लीजिए, तेजस्वी यादव के रैलियों की भीड़ देख लीजिए कि किस तरह से तेजस्वी यादव की रैलियों में जो है जो भीड़ उमड़ रही है, भीड़ क्या संकेत देती है, एक बार आप ये भीड़ की तस्वीर भी आप देख लीजिए। अगर एक मौका दीजिएगा तो देश में इतिहास हम रचेंगे। एक साथ जब मुख्यमंत्री बनेंगे, एक साथ इकट्ठे 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी, मेरा सवाल है कौन करेगा, तो 10 लाख नौजवानों को कितना तेजस्वी यादव की रैलियों में आई हुई ये भीड़ बता रही है कि राज्य में किसकी सरकार बनने जा रही है और किसको सत्ता से जनता बाहर करने जा रही है। सवाल यह है कि जेपी नड्डा और बीजेपी को आखिरकार अभी भी क्या लगता है कि सीए के नाम पर हिंदू जो है उनको वोट देंगे? क्या झारखंड में हिंदू नहीं थे? क्या झारखंड के हिंदुओं ने उनके नागरिकता संशोधन कानून को जो है वो नहीं पहचाना? ये सवाल है। और सवाल यह है कि जिस तरह से वो बात कह रहे हैं नागरिकता संशोधन कानून को लेकर के वो आए हैं, तो ऐसे में जो मुसलमान वोटर जो है वो इनसे नाराज था, जो सेकुलर वोटर जो है जो इनसे नाराज था, जो दलित वोटर खास करके अब उत्तर प्रदेश की घटनाओं के बाद में जो इनसे नाराज है, क्या उनका जो है जनता का एक नीचे जो है वो गठबंधन नहीं हो जाएगा? क्या जनता जो है वो गठबंधन करके बीजेपी को यहां से बाहर नहीं करेगी? क्योंकि जनता भी देख रही है, लोजपा चिराग पासवान की जो पार्टी है वो भी कहते हैं कि मेरा सीना चीर के देखो इसमें मोदी जी बसते हैं, वो भी कहते हैं। तो क्या जनता नहीं समझ रही है कि इन तीनों को वोट देना, एक ही व्यक्ति को वोट देना है, एक ही सरकार को वोट देना है? और जनता क्या फिर जिस तरह से सीए कानून का बात कर रहे हैं, क्या दलित मुस्लिम और यादव ये तीनों एकजुट होकर के क्या नीचे नीचे जो है कोई गठबंधन बनेगा, जनता का गठबंधन बनेगा और बीजेपी को जो है एक बार फिर से यहां पर मुंह की खानी पड़ेगी? सवाल ये है। और जिस तरह से दलित यादव और मुस्लिम का गठबंधन करके लालू प्रसाद यादव ने जो है सरकार बनाई है, क्या इस तरह से जो है ये बीजेपी ने खुद से जो है खुद से महागठबंधन की मदद कर दी है सीए कानून का जिक्र करके, और पूरी तरह से जो है वो अपने ही ताबूत में कील ठोकने का काम किया है? यह आपको लगता है कि नहीं, सीए का कानून का जिक्र उन्होंने सही किया है और हिंदू इस पर एकजुट होगा और हिंदू समझेगा कि बीजेपी ही केवल जो है उसकी हितेशी पार्टी है? आपकी राय क्या है? बिहार में क्या सीए नागरिकता कानून का पत्ता जो है वो चल पाएगा? क्या उसका कार्ड जो है, सीए का कार्ड जो बीजेपी अध्यक्ष ने फेंका है, वो कार्ड काम कर पाएगा? या आपको लगता है कि बिहार में इस बार बीजेपी बाहर होनी तय है? आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन बनी हुई, जो घंटी बनी हुई है उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर।